न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि जो भी आपके पास डाटा है क्वेश्चन में दी हुई है उसे ऑर्गेनाइज करें। इसके बाद ही क्या होता है कि उसके आंसर में एक्यूरेसी आती है और आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में बढ़ता जाता है। ठीक, तो इंटरेस्ट का खेल है सिर्फ। और जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठें तो ये सोच कर बैठें कि नहीं, मेरे को 10 न्यूमेरिकल्स करने हैं, 5 न्यूमेरिकल्स करने हैं, और इसके बीच में क्या लेना है, आपको एक छोटा सा गैप भी लेना है, बिकॉज ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ब्रेक के दौरान क्या होता है कि कुछ चीज़ों का हमें खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप ब्रेक लेते हो उस वक्त आपको फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इवन यू विल नॉट टेक द फोन इन योर हैंड, ठीक, नॉट इवन टू सी द टाइम कि टाइम क्या है या कितने सेकंड का टाइम मतलब ब्रेक लेना है, बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल ना करें। ज़्यादातर उन क्लॉक्स का इस्तेमाल करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम आता है, स्पेशली वॉचेस वगैरह पहने, ये बहुत बेहतर रहता है। ठीक है, और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि किस न्यूमेरिकल्स को आप कितना टाइम दे रहे हैं। कैलकुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करेंगे तो इट विल टेक अराउंड 10 डेज टू बी परफेक्ट, यू नो, परफेक्ट से मेरा मतलब है कि इस काबिल हो जाएंगे आप कि अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, बाकी परफेक्शन की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं होती कि आप उसे कंप्लीटली डिफाइन कर सकें कि नहीं ऐसा ही परफेक्शन होता है, इसके अलावा कोई परफेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो आपको फोकस करना है किस पर, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को कम टाइम में कर पाएँ और आपकी जो कैलकुलेशन है उसकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह या डिवीज़न वगैरह होते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादातर पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक, तो ये स्टार्ट करेंगे तो इट विल टेक अराउंड 10 डेज और आपको काफ़ी अच्छा महसूस होने लगेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाटा को रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो डाटा को पहले ऑर्गेनाइज कर लें और स्टेप वाइज कि किस किस स्टेप के थ्रू आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है और आपका आंसर कैसे निकलेगा, उसको वैल्यू कहाँ पर रखनी है। और डाटा को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सेपरेटली कैलकुलेट करें। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि आपको अगर एस दी हो यानी कि ए की वैल्यू दी हो तो, और आपको जैसे 288 दे रखी थी पिकोमीटर में और यहाँ पर आपने क्या किया 288 × 10 की पावर -10 सेंटीमीटर कर दिया। ठीक, तो इसमें हमें वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ी थी और हमने वॉल्यूम की वैल्यू को डायरेक्ट रखा था। ठीक, आप क्या कर सकते हैं, इसके जो वॉल्यूम है एक यूनिट सेल का, जैसे फॉर एग्जांपल हमें बी सी सी का वॉल्यूम निकालना है तो हम यहाँ पे इसे डायरेक्ट यहाँ पर निकाल कर पहले भी रख सकते हैं। इससे क्या होता है क्वेश्चन में एक्यूरेसी बढ़ जाती है, यानी कि आपका आंसर जो है पॉइंट के बाद जो वैल्यू आएगी वो काफ़ी एक्यूरेट हो जाती है, प्रिसीजन तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो हर बार ऐसा क्या करें कि पूरी पूरी डाटा को पहले मल्टीप्लिकेशन कर लें, ऊपर नीचे कोई डाटा है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लें और फिर उसके बाद उसे डिवाइड करने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम स्टडी करने वाले हैं, इसे सॉल्व करेंगे। ये आपकी बुक में दे भी रखा है, सॉल्व क्वेश्चन दिया है, ये है एग्जाम्पल नंबर 1.4। ठीक, क्वेश्चन में क्या है एक बार मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन में दिया है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज, यानी कि वो ब्रेक इक्वेशन जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज सो दैट कॉपर क्रिस्टल क्रिस्टलाइजेस इन द एफसीसी यूनिट। ठीक, तो हमने जब पढ़ा था इसके एफसीसी यूनिट के केस में तो हम बात कर रहे थे कि ये जो कॉपर होते हैं ये क्या होते हैं एफसीसी क्रिस्टल में क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला है कि जब ए सेल विद सेल एज ऑफ 3.608, मतलब जो ए दिया है वो 3.608 × 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ये क्या है एच की वैल्यू है, एच कौन सी होती है किसी भी जो यूनिट सेल होगी उसकी जो ये साइड होती है जहाँ पर टू फेसेस एक दूसरे से मिलते हैं वो क्या कहलाती है एच कहलाती है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन पॉइंट आता है इसमें, इन अ सेपरेटिंग एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव अ डेंसिटी, यानी कि जब आप इन्हें सेपरेट करेंगे तो इसकी डेंसिटी दी है 8.92 ग्राम सेंटीमीटर की। ठीक, ये क्या दी है इसकी डेंसिटी दे रखी है और यहाँ पर बोला है कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर और आपको बताना है इसका एटॉमिक मास क्या है। बहुत अच्छे, मीन्स आपको इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट कर कर बताना है। जब हम एफ सी सी की बात करते हैं तो उसमें जो पॉइंट यहाँ पर यूज होने वाला है वो है जेड एफ सी सी और हम लोग जानते थे जेड एफ सी सी में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं
होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स क्या है हमारे पास, अब डाटा कितनी है हमारे पास, 1 2 3, 3 डाटाज दी हुई हैं, और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है डी इक्वल टू जेड एम अपॉन एन ए, और यहाँ पर आ जाएगा ए, अंडरस्टैंड। दीज ऑल द वैल्यूज वी हैव, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है ये वाली वैल्यू, यानी कि हमको एम कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, फॉर्मूले को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, रीऑर्गेनाइज करेंगे तो हमारे पास एम इधर आएगा, और हमारे पास डी इंटू एन ए इंटू ए क्यूब यहाँ पर पहुँच जाएगा, और नीचे आएगी हमारे पास वैल्यू ऑफ जेड ऑनली, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, ठीक है, रखते हैं वैल्यू, डी की जगह पर हमको रखना है 8.92 इंटू, एन ए की जगह हम रखेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और जो हमारा लास्ट वन बचा है दैट मीन वी हैव ए, और ए हमें दिया था 3.608 इंटू 10 की पावर -8 का होल क्यूब, और इसको डिवाइड कर देना है परफेक्ट इंटीजर 4। जब आप इसकी काट पिटाई तो काट पाट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा इसका 63.1 ग्राम, एंड दिस इज द नंबर दैट वी वर लुकिंग फॉर, ठीक। तो अगर इसका एटॉमिक मास पूछा है तो हम इसे रिप्रेजेंट कर देंगे यू से, और अगर इसका पूछा है मोलर मास तो हम रिप्रेजेंट कर देंगे जी से, ठीक। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई कि भाई कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 63.1 जूल, अंडरस्टैंड। तो बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल था, बस क्या ज़रूरत है कि आपको फोकस्ड रहना है डूइंग सॉल्विंग क्वेश्चन, और जो डाटा है उसको कम्प्लीटली और ऑर्गेनाइज करके रखना है, जिससे क्या हो क्वेश्चन के आंसर में एक्यूरेसी आ जाए। इसे कैलकुलेट जरूर करना, ठीक है, कैलकुलेट कर कर बताना कि इसकी जो वैल्यू है वो यही आई है या फिर मैंने अपनी तरफ से लगाई है, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 1.5, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ एग्जाम्पल जो हम सॉल्व करने वाले हैं। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये बात करता है कि सिल्वर फॉर्म्स सीसीपी लैटिस, ठीक। जहाँ पर आपको सी सी पी का नाम याद आ जाए उसका मतलब होता है एफ सी सी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से बनने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जेड जो एफ सी सी का होगा वही सी सी पी का होगा, तो हम यहाँ पे कह देंगे जेड हमारे पास 4 है ऑलरेडी, ठीक है। फिर एक्सरे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल शोज दैट द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज, यानी कि एज लेंथ दे रखी है इन्होंने, कितनी दी है ये 408.6 पिकोमीटर, ठीक। हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि वैल्यू इन्होंने डेंसिटी में मीटर में दी। तो यहाँ पर वैल्यू जब लिखेंगे तो हमारी हो जाएगी 408 × 6 × 10 की पावर -12 मीटर, ठीक। जैसे हम सेंटीमीटर में जब एक्स की वैल्यू लिखते थे तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लीकेशन करते थे 10 की पावर -10 से, लेकिन इन केस ऑफ जब हम बात करेंगे किसके केस में, मीटर के केस में, तो हम इसमें दो वैल्यूज को बढ़ा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं या सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा 10, ठीक, मतलब 100 से, हम उसे हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ चुकी हैं। दूसरा इन्होंने बोला है कि यहाँ पर कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सिल्वर, यानी कि आपको कैलकुलेट करनी है डेंसिटी ऑफ द सिल्वर, और यहाँ पर उसका सिल्वर का एटॉमिक मास दे रखा है, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज 107.9, हमेशा ये होता है, ठीक है। हमारे पास ए हो गया, डी हो गया, जेड हो गया, एटॉमिक मास हो गया, हमें सिर्फ और सिर्फ डी निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा, डी बराबर, इसे बोला करें और ज़्यादा से ज़्यादा लिखा करें, फॉर्मूले तब याद रहते हैं, डी बराबर जेड एम अपॉन एन ए ए, ठीक। जेड की वैल्यू क्या है, यहाँ पर जेड की वैल्यू हमारे पास 4, एम की वैल्यू क्या है 0.7.9 है,
और एन ए की वैल्यू क्या है, 6.022 × 10^23 है, और ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है उन्होंने 408.6 × 10^-12 का होल क्यूब। मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें फिर उसके बाद, और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा इसके अंदर, वो आंसर आता है आपका 10.5 × 10^3 kg पर मीटर क्यूब। दिस इज व्हाट द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। इस तरीके से क्या करेंगे आप, डेंसिटी ऑफ द सिल्वर यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ये केजी पर मीटर क्यूब में है, आप इसे ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे तीन क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, और तीनों क्वेश्चन में हमने एक बहुत सिंपल सी चीज़ देखी, और वो ये थी कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम उसकी डाटा को रिप्रेजेंट करना सीख। ठीक, क्योंकि अगर हमें डाटा नहीं आती होगी तो हम उसके अंदर वो एक्यूरेसी नहीं निकाल पाएंगे जिसकी हमें ज़रूरत है ख़ासतौर से। ठीक, तो पॉइंट्स को समझें और उसे स्टेप वाइज लिखते हुए चलें, हर एक डाटा को रिप्रेजेंट करें, आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं। ठीक, और एक दूसरी चीज़ ये कि आप जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हों तो कोशिश किया करें कि आप बुक की हेल्प, ठीक, ना कि उसके सॉल्व क्वेश्चन की। ठीक, तो बुक की हेल्प लेने से क्या होता है, आपको दूसरे पॉइंट्स जो अब तक नहीं आते थे लेकिन उन पॉइंट्स से जब आप रूबरू होंगे तो वो पॉइंट्स भी आपको आसानी से याद रहेंगे। ठीक, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ द स्क्रीन और मे बी यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाई योर योर सेल्फ बिकॉज इट इज़ बिकम वेरी इजी।